मैम आप म्यूट हैं। बोर्ड दिख रहा है? बताइए बच्चे, बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? ओके, यस मैम। हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर रहे थे ना। टू इज फर्स्ट फाइव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम बाय एलिमिनेशन मेथड। हमने ग्राफिकल मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड कर लिया। इसमें किसी को कोई डॉट है तो बताइए। आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एन एग्जांपल। तुम लोगों को तीन ही ये पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसलिए ऑल द थ्री मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन। आई एम टेकिंग एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व द प्रॉब्लम बाय एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर वन, देखो एलिमिनेशन मेथड होता है क्या। सपोज दो इक्वेशन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाय सम नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, वी मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाय सूटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई मे बी इक्वल। दोनों का कोफिशियंट आइदर ऑफ एक्स और वाई को हम लोग कोफिशियंट को इक्वल कर देते हैं
एंड देन वी एड और सब्ट्रैक्ट टू फाइंड इट इन टू कन्वर्ट इट इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एलिमिनेशन मेथड क्या है, हम लोग कोई किसी भी वी मल्टीप्लाई ए नॉन जीरो कोफिशियंट सो दैट द कोफिशियंट ऑफ एक्स और वाई मे बी इक्वल। अगर इक्वल हो जाता है तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्शन या एडिशन मेथड से हम लोग उसको एलिमिनेट करके वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। एक वेरिएबल में हो गया, फिर हम लोग ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसमें एक्स का या वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं टू गेट इट्स सॉल्यूशन। देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से करते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव एंड टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर। ये हमारा इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। इस इक्वेशन को देखिए बच्चे, यहां हमारा क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वन। एंड हियर व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन सेकेंड इक्वेशन, टू टू। हम लोग देखो इक्वेशन नंबर वन में अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स को टू लाना चाहते हैं, कहता है वी मल्टीप्लाई द वी मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाई ए सुटेबल नॉन जीरो कॉन्स्टेंट सो दैट द कोफिशियंट ऑफ एक्स और वाई मे बी इक्वल। अगर यहाँ भी हमको टू ले टू एक्स लाना है तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को। वी मल्टी हाँ तो हम लोग क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई टू, वी मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई टू, इक्वेशन वन बाई टू। अब यहाँ टू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आया, टू इन टू एक्स, टू एक्स, टू एक्स प्लस अब प्लस टू इन टू वाई, टू वाई, टू वाई आर टू फाइव टेन टेन। हाँ और सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, टू एक्स माइनस थ्री वाई इज थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव फोर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ साइन चेंज किया, माइनस यहाँ प्लस था तो हमने क्या किया, इसका अपोजिट देते हैं माइनस, यहाँ माइनस है इसका अपोजिट देंगे प्लस, और यहाँ ये हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस टू एक्स और ये नीचे वाला टू एक्स लेंगे माइनस टू एक्स, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल हो गया, टू एक्स और माइनस टू एक्स जीरो कैंसिल। अब यहाँ देखिए प्लस टू वाई प्लस थ्री वाई हाउ मच, प्लस टू वाई एंड प्लस प्लस फाइव वाई। एंड हियर देखिए टेन माइनस फोर, ये माइनस है, टेन माइनस फोर कितना होगा, टेन माइनस फोर इज इक्वल टू सिक्स। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू सिक्स बाई फाइव लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या होगा बताइए बच्चे, y इज इक्वल टू सिक्स बाई फाइव। हमने एक वेरिएबल निकाल लिया, यहां से हमारा एक वेरिएबल निकल गया। अब इस y का हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन में हम लोग इसको पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग वाई इज इक्वल टू, दिख नहीं रहा ना, थोड़ा करती पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू कितना आया था सिक्स बाई फाइव इन इक्वेशन वन, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन हमारा क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। इसमें y का वैल्यू पुट कीजिए कितना आएगा, y का वैल्यू पुट कीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स बाई फाइव इज इक्वल टू x वैल्यू 19 बाई फाइव। अब यहाँ देखो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन हो गया, या फिर इसको इधर ले आए, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस सिक्स बाई फाइव, इसके नीचे वन है तो ये फाइव और उसका एलसीएम फाइव हो गया, फाइव फाइव सा 25 माइनस सिक्स कितना हो जाएगा 19 बाय फाइव। ठीक है, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 19 बाय फाइव, वाई इज इक्वल टू सिक्स बाय फाइव इज द सॉल्यूशन। हमारा सॉल्यूशन निकल गया वाई इज इक्वल टू नाइन, वाई इज इक्वल टू सिक्स बाय फाइव एंड एक्स इज इक्वल टू 19 बाय फाइव। बताइए बच्चे इसमें कुछ दिक्कत है बताइए, अब इसको फिर से हम करते हैं। अब देखो इसको फिर से हम लोग करते हैं, देखिए इसका मेथड, अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाय अ सुटेबल नॉन जीरो कोफिशिएंट, कोई भी नॉन जीरो कोफिशिएंट सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ ए को इक्वल और इक्वल। उसके बाद हम लोग ये क्या करेंगे, इस वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया ये,
वाई का वैल्यू निकाल के इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देना है। इसको नोट कर लीजिए बच्चे, और इसको हम लोग आके अनदर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, वी टेक अनदर एग्जाम्पल, इसको नोट कर लीजिए, हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर टू, इसको नोट कर लो तो बता देना, हो गया आएगा तो बता देना, हो जाएगा तो बता देना। क्वेश्चन नंबर टू, ये क्वेश्चन हो जाएगा तो बता देना, मैं सर अब कर दूंगी फिर से बताऊं। हो गया मैम। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर वन था, हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू इज 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x - 2y = 2, 2x - 2y = 2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, देख लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए, देखिए हियर इट इज क्वेश्चन, इसको हम लोग लिखते हैं इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। अब यहाँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बताइए बच्चे, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 3। और सेकेंड वन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई टू, इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन टू को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके कोफिशियंट से सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करो और इसके कोफिशियंट से फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो तो क्या आता है, टू को टू थ्री जा सिक्स, मल्टीप्लाई लिख देंगे हम लोग, एक लाइन लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय टू एंड देखिए बच्चे, हम लोगों ने क्या किया, वी मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई टू एंड इक्वेशन टू बाई थ्री, सो फर्स्ट इक्वेशन बिकम 2 3 6 + 2 4 8 एंड 2 10 20। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन बिकम्स 3 2 6, 3 2 6, 2x - 2y एंड 3 2 6। नाउ वी सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये जो नीचे वाला साइन है इसका अपोजिट साइन हो जाता है, नीचे वाला सेकंड वाला इक्वेशन का जो साइन है आगे में उसका अपोजिट साइन होता है। यहाँ प्लस था नीचे में तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, और यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए +6x एंड -6x बोथ आर कैंसिल, और नाउ 8 + 6 हाउ मच, 8 + 6 कितना होगा बताइए बच्चे, 14y एंड 20 - 6 कितना होगा, 20 - 6 = 14। Therefore, y is equal to क्या हो जाएगा, y = 14/14= 1। y का वैल्यू क्या आया हमारा,
वाई का वैल्यू वन आ गया, ठीक है। अब इसको वन आया, वी पुट वाई इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन, इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो। पहला इक्वेशन क्या है तुम्हारा, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टेन। तो एक्स थ्री एक्स प्लस फोर इंटू वन, फोर मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू टेन। थ्री एक्स माइनस फोर ये हो गया हमारा, टेन आ गया, ठीक है। टेन हो गया। अब नाउ थ्री एक्स इजिकल टू क्या होगा बताइए, थ्री एक्स इजिकल टू ये फोर, ये देखो थ्री एक्स प्लस फोर इजिकल टू टेन, थ्री एक्स इजिकल टू टेन माइनस फोर कितना हो जाएगा, टेन माइनस फोर इजिकल टू सिक्स, थ्री एक्स इजिकल टू सिक्स, देयर फोर एक्स इजिकल टू सिक्स बाय थ्री कितना हो जाएगा टू, देयर फोर एक्स इजिकल टू टू एंड वाई इजिकल टू वन इज द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या आया, एक्स इजिकल टू टू वाई इजिकल टू वन। आ रहा है समझ में बच्चे, बताइए। यस मैम। हाँ तो यही करना है कि कोई भी इक्वेशन वन में एक्स और वाई का कोफिशिएंट को सेम इक्वेशन कर देना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई को किसी को भी वन और टू में से दोनों का कोफिशिएंट को सेम कर देना है। सेम करने के लिए क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई नॉन जीरो कोफिशिएंट, नॉन जीरो कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर टू में देखो इसका आगे का एक्स है टू है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट में थ्री है, तो सेकंड को फर्स्ट को हम लोग टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड को थ्री से, तो टू थ्री जा सिक्स दोनों आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चे, इसको नोट कर लो पहले, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, इसका क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, अगर हो गया है तो क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोग करेंगे, इसको नोट कर लो पहले। ये हो गया बच्चे बताइए, हो गया ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना बनाओगे उतना प्रैक्टिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। थर्ड वन इज 3x माइनस 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। अब इससे देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये हो जा सकता है, कैन वी राइट इट एज? यस मैम। और ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। और सेकंड तुम्हारा है, एंड सेकंड इक्वेशन है तुम्हारा 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, ये इक्वेशन टू हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो तुम्हारा क्या हुआ, सो फर्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 एंड 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ 3 और सेकंड में क्या है, 9 है। बताओ क्या, अगर 9 लाना चाहे फर्स्ट में तो क्या करेंगे हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी एक कोफिशिएंट ऑफ x 9 आ जाएगा। तो लिखेंगे वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, इक्वेशन 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू 3 हाउ मच, 9 माइनस 3 इंटू 3, दिख रहा है नीचे वाला, दिख रहा है लाइन बेटा बताओ, नहीं तो फिर दूसरे साइड में पढ़ाएंगे, नीचे वाला लाइन दिख रहा है कि दूसरे साइड में पढ़ा दे, देखो नहीं दिख रहा होगा, देखिए इधर इधर हम लोग करते हैं, यहां देखिए
थ्री इंटू थ्री नाइन एक्स, नाइन एक्स माइनस थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू टू थ्री फोर जा ट्वेल्व. अब नौ नाइन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू सेवन, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. अब ये देखो दोनों का कोफिशियंट क्या हुआ, सेम. हमने दोनों के कोफिशियंट को क्या किया, सेम किया. आप सब्ट्रैक्ट कीजिए. अब देखो नाइन एक्स बोथ आर कैंसल. नाउ फिफ्टीन वाई अब प्लस टू वाई कितना होगा, फिफ्टीन वाई माइनस टू प्लस टू वाई माइनस फिफ्टीन प्लस टू हाउ मच माइनस थर्टीन एंड ट्वेल्व माइनस सेवन हाउ मच फाइव, फाइव. देयरफॉर वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई थर्टीन. वाई का वैल्यू क्या आया, माइनस फाइव बाई थर्टीन. इसको चेक कर लीजिए, इसको एक बार चेक कर लीजिए. यहां तक बनाइए आप लोग. अब x का वैल्यू हमें निकालना है. अब x का वैल्यू निकालो, इसमें क्वेश्चन नंबर वन में पुट कर दीजिए. पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई थर्टीन इन इक्वेशन नंबर वन, इन इक्वेशन वन. किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हो, टू में भी पुट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि वन ही में पुट करना है. टू में भी पुट करोगे तो भी वैल्यू आ जाएगा हमारा. तो ये देखो थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव बाई थर्टीन इज इक्वल टू कितना था, फोर. अब यहां देखिए थ्री एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. ट्वेंटी फाइव बाई थर्टीन इज इक्वल टू फोर. थ्री एक्स इज इक्वल टू, दिख रहा है नीचे में, नहीं दिख रहा है, उधर करते हैं. यहां देखिए थ्री एक्स इज इक्वल टू, यहां पे देखिए थ्री एक्स इज इक्वल टू ये 25 बाई 13 राइट साइड में जाएगा, तो साइन चेंज, साइन चेंज, 4 माइनस 25 बाई 13, ठीक है. अब यहां देखिए 3x इज इक्वल टू, इसका कोफिशियंट 13 है, 1 13, 13 4 जा 52, 52 माइनस 25 इज इक्वल टू, 3x इज इक्वल टू 52 माइनस 25, 12 माइनस 5, 7 एंड 4 माइनस 2, 2, 27 बाई 13. Therefore, x is equal to 27 by 13 multiply 1 by 3. 3 nines are 27. X is equal to 9 by 13. X का वैल्यू क्या आया? 9 by 13. देखिए, x का वैल्यू क्या आया? 9 by 13. देख लीजिए, x का वैल्यू आया 9 by 13 और y का वैल्यू हमारा आ गया minus 5 by 13. ठीक है? इस क्वेश्चन को देख लीजिए. देख लीजिए बच्चे, इस क्वेश्चन को देख लीजिए. इस क्वेश्चन को देख लीजिए. थ्री एक्स माइनस फाइव वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस फोर को राइट साइड में ले गए, साइन चेंज, साइन चेंज, साइड चेंज, साइन चेंज. थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू फोर, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड वन नाइन एक्स इज इक्वल टू टू वाई प्लस सेवन, माइनस टू वाई को लेफ्ट साइड में लाओ तो नाइन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू सेवन. नाउ योर इक्वेशन बिकम्स थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू फोर एंड नाइन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू सेवन. फर्स्ट का कोफिशियंट एक्स है थ्री, सेकेंड वन का कोफिशियंट है नाइन. तो नाइन लाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन को हम लोग थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री. तो यहाँ हो गया थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन एंड इज इक्वल टू ट्वेल्व एंड नाइन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू सेवन. ये प्लस माइनस कैंसिल, माइनस फिफ्टीन प्लस टू वाई माइनस थर्टीन वाई इज इक्वल टू फाइव, वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई थर्टीन. अब ये देखो y का वैल्यू x में पुट कर दीजिए, तो 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 बाई 13 इज इक्वल टू 4 एंड 3x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 25 बाई 13
देयरफॉर एक्स थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस 25 बाय 13 कैंसिल करो तो 27 बाय 13 आएगा, एक्स का वैल्यू हमारा आ गया 9 बाय 13। ओके दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसको नोट कर लो और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो गया है क्या, इसको देख लीजिए बच्चे। अब मैं एक और क्वेश्चन में आप ही लोगों से पूछूंगी, क्वेश्चन नंबर फोर में आप ही लोगों से पूछूंगी मैं, बताइए। ये हो गया है, इसको मिटा रही हूं मैं, इसको मिटाए। यस मैम। कहां से आवाज आ रही है, म्यूट योरसेल्फ। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर इज एक्स बाय थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर इज एक्स बाय थ्री, एक्स बाय टू है ना, एक्स बाय टू प्लस टू वाई बाय थ्री इज इक्वल टू वन, ठीक है, एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री। अब इससे देखिए, ये इस क्वेश्चन को देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए, एक्स बाय एक्स, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू एंड थ्री, डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा बताइए, टू और थ्री का एलसीएम क्या होगा, सिक्स 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 हो जाएगा। यहाँ पे बताते हैं इसको, यहाँ देखो, इसी से देखो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक इक्वेशन को, टू थ्री इज अ सिक्स, नो टू थ्री इज अ सिक्स, थ्री इन टू एक्स, थ्री एक्स एंड प्लस थ्री टू जा सिक्स, टू टू जा फोर, फोर वाई इज इक्वल टू वन, इम्प्लाई थ्री एक्स प्लस फोर वाई, थ्री एक्स प्लस फोर वाई। अब ये सिक्स को वन मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिक्स इंटू वन कितना होगा बच्चे बताइए, सिक्स इंटू वन सिक्स, तो ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर वन हो गया, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन हमारा है, देखो माइनस सिक्स होगा, यहाँ पे माइनस वन है, देख लीजिए, थ्री टू वाई बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस सिक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स माइनस वाई बाई थ्री, एक्स माइनस वाई बाई थ्री इज इक्वल टू थ्री, एक्स माइनस वाई बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री, यहाँ पे एक्स का क्या है डिनोमिनेटर, अब कुछ नहीं है तो समझेंगे, वन वन और थ्री का एलसीएम लीजिए, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ वन एंड थ्री, थ्री, तो वन थ्री इज अ थ्री, थ्री इंटू एक्स, थ्री एक्स माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू थ्री एंड थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थ्री इंटू थ्री कितना हो जाएगा, थ्री इंटू थ्री नाइन, तो तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन बन गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, और फर्स्ट इक्वेशन हमारा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 9। अब यहां देखो, ये देखो थ्री, इसका तो ऑलरेडी कोफिशिएंट ऑफ बोथ आर सेम, सो करने की जरूरत नहीं है, दोनों का, यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों का एक्स का कोफिशिएंट सेम है, तो हम लोग ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो फोर और प्लस वन, फोर प्लस वन क्या हो गया, फोर प्लस फोर वाई प्लस वाई, फाइव वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस नाइन माइनस फिफ्टीन, देयर फोर वाई का वैल्यू क्या आएगा माइनस फिफ्टीन बाई फाइव माइनस थ्री, वेरी गुड, माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको बताओ, अब अगला स्टेप क्या करेंगे, तीन क्वेश्चन हमने बताया, अब इसका अगला स्टेप बताइए बच्चे, आप लोग बताइए, वाई इज इक्वल टू वाई का वैल्यू पुट करें, वेरी गुड, वी पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन वन, वी पुट द वैल्यू ऑफ
वी पुट y इज इक्वल टू माइनस थ्री इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन. वन हमारा क्या है, थ्री एक्स प्लस फोर वाई, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स. अब नाउ थ्री इन थ्री एक्स और प्लस फोर इंटू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस सिक्स. थ्री एक्स फोर थ्री जा माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस सिक्स, ठीक है. और थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व, थ्री एक्स इज इक्वल टू सिक्स. देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू सिक्स बाई थ्री, हाउ मच, टू. एक्स इज इक्वल टू टू, वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री इज द सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन हमारा निकल गया, एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री इज द सॉल्यूशन. देख लीजिए, कुछ कुछ आ रहा है समझ में? देख लीजिए, अब हम लोग देखो इसी का क्वेश्चन नंबर टू है. क्वेश्चन नंबर टू इज फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ये स्टेटमेंट दिया हुआ व्हाट प्रॉब्लम है इसको इक्वेशन में चेंज करना है. एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना है. फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया सभी का, क्वेश्चन नंबर वन ये हो गया तुम्हारा, इसको मिटाओ. यस मैम. ओके, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट. इफ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन. इफ वी ऐड, देखिए कहता है कि इफ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर, किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में वन ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है, वन के बराबर हो जाता है. इट बिकम्स वन बाई टू इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर. अगर हम लोग अगर इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में वन ऐड करते हैं, न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ देते हैं, तो इट बिकम्स वन बाई टू. वट इज द फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन बताना है. तो देखो, लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी, न्यूमरेटर को हम लोग कुछ मान लेते हैं, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन भी, डिनोमिनेटर को क्या मानेंगे y, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बताइए. फ्रैक्शन x by y, x by y, है ना. लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन भी x एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन भी y, सो आवर फ्रैक्शन बिकम्स x by y, ठीक है. अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ वी एड वन टू द न्यूमरेटर, हमारा न्यूमरेटर क्या है, x है, उसमें वन ऐड कर देंगे तो व्हाट इज द, बताइए क्या हो जाएगा. x प्लस वन, x प्लस वन, x प्लस वन, इट बिकम्स x प्लस वन, वेरी गुड. एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारा y है, उसमें वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या बनेगा, y माइनस वन, y माइनस वन. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस वन अपॉन y माइनस वन इज बिकम्स वन बाई टू इज इक्वल टू वन, इट बिकम्स वन इज इक्वल टू वन. So, our equation becomes x plus 1 upon y minus 1 is equal to 1. इसको सॉल्व कर लेंगे पहला इक्वेशन को. अब सेकेंड इक्वेशन इज इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दो. न्यूमरेटर को हमने क्या माना था, x, न्यूमरेटर हमारा x था, x था, x को वैसे ही रहने दो, x upon डिनोमिनेटर में सिर्फ हम लोग को एड करना है 1, x plus x upon y plus 1. x upon y plus 1 is equal to 1 by 2, ठीक है. ये दो इक्वेशन हमारा है.
इसको सॉल्व करिए और इसको एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से हम लोग पहले निकालेंगे, सॉल्व करते हैं। लिखिए पहले, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी वाई।